वेलकम बैक टू द वीडियो। इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है तो हमें दो चीजों का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, पहला एड टॉपिक्स और दूसरा हैशटैग। अब ये दोनों बिल्कुल सिमिलर काम करते हैं, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, मतलब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैशटैग वर्सेस एड टॉपिक्स। एंड ये अगर आपको पता लग जाएगा तो आप इंस्टाग्राम पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इंस्टाग्राम पे रील पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी रील वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका अकाउंट एक्सप्लोर में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो में डिटेल में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। करें हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हैशटैग वर्सेस एड टॉपिक के बारे में। मैं इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से काम कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड 500K, मतलब मेरे 500,000 प्लस हो चुके हैं फॉलोअर्स। एंड इनिशियली जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट करता था तो मैं एड टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता था। मैं हर एक स्टोरी में अपना एड टॉपिक्स यूज करता था, मैंने काफी वीडियोस में भी बताया कि हमें एड टॉपिक्स यूज करना चाहिए। अब एड टॉपिक्स का क्या रोल होता है, हैशटैग का क्या रोल होता है, दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। एड टॉपिक्स के क्या होता है, आपको पहले एड टॉपिक जानने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी, वो है मैनेज योर इंटरेस्ट। एक इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आया था, अगर आपको याद हो तो मैनेज योर इंटरेस्ट। जब हम इंस्टाग्राम की सेटिंग्स पे जाते थे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाता था मैनेज योर इंटरेस्ट, एंड वहां पे हमें काफी ऑप्शंस मिल जाते थे जिसमें हम अपना इंटरेस्ट चूज कर सकते थे, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, या फिर हमें हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, या फिर हमें कॉमेडी वाइंस कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद है, तो वहां पे हम लोग अपना इंटरेस्ट सेट कर सकते थे। उसके कुछ टाइम बाद एक ऑप्शन आया एड टॉपिक्स का, मैनेज योर इंटरेस्ट एड टॉपिक। इंस्टाग्राम चाहता था कि सारी ऑडियंस डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब जिसका जिसमें भी इंटरेस्ट है वो एक अलग कैटेगरी बन जाए, एक अलग कम्युनिटी बन जाए। तो इस तरह से इंस्टाग्राम ने काफी चीज को प्रमोट किया था, प्लीज मैनेज योर इंटरेस्ट, मैनेज योर इंटरेस्ट। तो हम लोग सब अपना इंटरेस्ट मैनेज कर सकते थे। इससे एक फायदा ये भी था कि हम अपने एक्सप्लोर पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे कि हम चाहते हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें सब चीज सजेस्ट हो, तो मैनेज इंटरेस्ट पे हम लोग वहां पे सब चूज कर सकते थे। मैं जैसे टैकिंग हूं तो मैं टैक से रिलेटेड सारी चीजें मैंने वहां पे सेट कर देती मेरे इंटरेस्ट में, अब मुझे वहां पे सारा टैक से रिलेटेड कॉन्टेंट आने लगा। एंड ये तो हो गया एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ऑडियंस को ये चीज सेट करनी है, अपना इंटरेस्ट सेट कर लेना है जो वो देखना चाहते हैं अपने फीड पे। अब एड टॉपिक में वो क्रिएटर्स को मिला, जैसे मैं टैग पे बनाता हूँ वीडियो, कोई कॉमेडी पे बनाते हैं, कोई किस पे बनाता है, तो वहां पे एक वीडियो अपलोड करने से पहले हमें एड टॉपिक चूज करना पड़ता था कि हमारी वीडियो इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, यानी कि हमारी वीडियो टैग से रिलेटेड है, कॉमेडी से रिलेटेड है, हमारी वीडियो किसी और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, हमारी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम वहां पे चूज करके कैटेगरी पोस्ट कर देते थे। अब जिसने अपना इंटरेस्ट सेट किया है कॉमेडी, तो किसी ने कॉमेडी वीडियो पोस्ट की है एड टॉपिक करके तो वो उनको चली जाएगी। जिसने अपना इंटरेस्ट सेट किया है टैग, तो वहां पे जैसे मैंने टैग वीडियो पोस्ट किया तो मैंने एड टॉपिक्स में जाके टैग कर दिया टेक्नोलॉजी, एंड वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को जाके दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बट सबसे ज्यादा ड्रॉबैक क्या है इस चीज का, बहुत से लोगों ने अपना इंटरेस्ट सेट ही नहीं किया था, ओके, एंड वो जो एड टॉपिक की ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई। अब जिसने सेट कर दिया, मतलब अगर 10,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने एड इंटरेस्ट सेट किया है, एंड वो जो पर्टिकुलर पोस्ट होगा ना जिसमें किसी ने एड टॉपिक करके टेक्नोलॉजी किया है, तो वो टेक्नोलॉजी वाले को सिर्फ 1,000 ऑडियंस रह जाएगी उनकी। तो इनिशियली मैं इस चीज को बहुत मानता था, देन मैंने क्या किया, मैंने एड टॉपिक्स लगाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतने लोगों ने अपना इंटरेस्ट ही सेट नहीं किया है और मैं एड टॉपिक करके उस इंटरेस्ट के लोगों को वीडियो दिखाया जा रहा था, तो वहां पे मुझे व्यूज बहुत ही ज्यादा कम आ रहे थे, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, थोड़ा डिमोटिवेशन भी आना स्टार्ट हो गया था, व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तो एड टॉपिक लगाना मैंने कर दिया बंद, अब मैं सिर्फ हैशटैग लगाता हूं। अब बात कर लेते हैं हैशटैग की। हैशटैग क्या करता है, हैशटैग एक कम्युनिटी बना देता है जैसे एड टॉपिक बनाता है। हम एक रील में कई सारे हैशटैग लगा सकते हैं, बट एड टॉपिक में हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं, हमें सिर्फ 4 टैग यूज करने हैं एंड उसके बाद नहीं कर सकते। वहीं हैशटैग में हम लोग 30 हैशटैग यूज कर सकते हैं अपनी किसी रील में, 30 हैशटैग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम लोग अगर 10-12 हैशटैग भी यूज कर ले, और हम लोग इंस्टाग्राम को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे कि हमारी वीडियो सिर्फ टैग वालों को भेजो, कॉमेडी वाले को भेजो, अब इंस्टाग्राम हमारी वीडियो को किसी को भी भेज देगा, मतलब सबको भेज रहा है, ओके, जहां जहां हैशटैग, जिसने भी कभी उस हैशटैग पे वीडियो भी देखी है, तो इंस्टाग्राम उस पर्टिकुलर हैशटैग से रिलेटेड सब लोगों को वीडियो भेजना स्टार्ट हो जाता है। तो एक वहां पे हमारी एक लिमिटेड कम्युनिटी नहीं रहती जैसे एड टॉपिक्स में रहती है। तो हैशटैग एक वाइड ऑडियंस के लिए यूज होता है, हैशटैग हमें काफी ज्यादा रीच दे देती है। मैं इनिशियली एड टॉपिक यूज करता था, देन मैंने बंद कर दिया, मैं सिर्फ अब हैशटैग लगाता हूं। आई एम नॉट सेइंग मत यूज करो, बिल्कुल यूज करो अगर आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, बट एक बार ट्राई कर लो बिना एड टॉपिक यूज किए, सिर्फ हैशटैग लगाओ और अपनी वीडियो पोस्ट कर दो, उसके बाद देखना आपकी एक रीच बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मुझे इस तरह से बेनिफिट मिला है। तो एड टॉपिक वर्सेज हैशटैग के बारे में मैंने डिटेल में बताने की
कोशिश करें दैट हाउ हैशटैग वर्क्स एंड हाउ एड टॉपिक वर्क। अब दोनों में आप सोच समझ लेना कि आपको किस चीज से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैनेज इंटरेस्ट हट गया है, बहुत लोगों ने मैनेज इंटरेस्ट अपना सेट भी नहीं किया था तो वो सब कुछ देख रहे हैं, एंड एक वाइड ऑडियंस है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट सेट नहीं किया था तो हैशटैग उनके पास भी जाएगा, आपके पास एक वाइड ऑडियंस हो जाएगी। अभी के लिए अगर आप एड टॉपिक अवॉइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम ने इस पर थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया है। तो बींग अ क्रिएटर अभी एड टॉपिक मत लगाओ, अगर आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो लगाओ, नहीं मिल रहा है तो हैशटैग यूज करो 5 से 8 दैट्स इट। और इससे आपको बेनिफिट मिलता है और आप भी ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि आपको किस चीज से बेनिफिट मिला है, एड टॉपिक से या फिर हैशटैग से, सो दैट जो व्यूवर यहाँ पे आए उनको एक चीज क्लियर हो जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ के उनको क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में जाके सारे कमेंट्स पढ़ते भी हैं, उनके लिए एटलीस्ट कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो से कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, इफ मिला है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।